है ना, पैर पे, पेट पे, पूरी पूरी बॉडी के ऊपर है ना निशानी, निशान दापड़ दापड़। आज क्या कर रहे हैं ये? गाइस चाउमीन जिसको भी खानी है तुरंत बवासो, मेरे से संपर्क कर लो। आपको पापा कुछ नहीं आता, बस घुमाने का काम करना। बहुत अच्छा चल रहा है, तेरे को मैं बना रहा हूँ। पापा ही बना रहा है। तो वैसे मैंने बिल्कुल चाउमीन बना बोलूँ कि बिल्कुल मस्त रहेगी, अब मैं टेस्ट करके बताऊंगा कैसी बनी। ये तो झूठ है, ये अपना बढ़ाइयाँ ले रही है, मैंने बढ़ा के खिलाया। मैं बहुत बड़ा शेफ हूँ, मेरे को ना खाना बनाने में बड़ा मजा आता है। हूँ क्या है? तो ये सर्व करिए सबको, अब टेस्ट करके बताऊंगा कैसा बना। और आज है क्रिसमस तो सभी को मेरी क्रिसमस। तो गाइस हमारी मम्मी अब टेस्ट करके बताएगी कैसी बनी। और मेरा और किटू का यहाँ पे परोस दिया, हम देखेंगे कैमरा देखते देखते खाएंगे। किटू कैसी लगी? कैसी लगी? अच्छी लगी। देख रहे मम्मी क्या है, क्या करिए तुम? क्यों तुम्हारे पूरी सूज रखी हो फिर भी तुमको वो नहीं है? अरे खाते पीते करके सूज रही हो गाइस, है ना। इसके ना सूजने का मतलब ये नहीं है मोटी हो रखी है ना, इसके मैंने बताया था खुजली हो रखी है, खुजली के चलते ना इन्फेक्शन हो रखा बॉडी में, पूरी बॉडी में ना वो दाने 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 से हो गए हैं। अरे खुजली है, एलर्जी के कारण तो खुजली, एलर्जी में तो खुजली होती है पूरे जैसे हाथ, इसके हाथों पे, चेहरे पे, है ना, पैर पे, पेट पे, पूरी पूरी बॉडी के ऊपर है ना निशानी, निशान दापड़ दापड़ से पड़ गए। क्या हंस क्यों रही है? एक तो है ना इनको समझाओ, है ना, इनको कहते बोले मेरे को बोलती थी मैं कर लेता, इसीलिए ना दिन भर चाउमीन बने इसलिए मैंने बनाई थी, ये तो बस ऐसे ही बोल रही थी, बस रोटी रोटी इसने बनाई थी मम्मी पापा के लिए, क्योंकि मैंने तो कुछ चाउमीन बनाती थी मैंने खाली थी। लेकिन है ना इसको ना कितनी बार समझा दिया, इसको गाय को ऊपर देख, ऊपर देख, सामने देख, ये तुमको शोभा देती है। अरे अब अगर कुछ हो जाएगा फिर परेशान हो जाओगी, फिर मतलब क्या है? कान में कुछ चले कुछ चले तो कान में कुछ चले चाय में मत पड़ दीजिए। तो गाइस है ना इस अब क्या बोलूं, फिर है ना ये कहते कि थे ट्राई करो जो सारा दिन भर परेशान हो गया, जान पूछ के करती है। और किस्मत इतनी खराब कि डॉक्टर के गए, ना डॉक्टर आज क्रिसमस की छुट्टी पे, तो उसको सैटरडे को ना सो साफ बोल गए थे मैम ना इसके प्रॉब्लम है ना, उसने दवाई दी थी संडे की छुट्टी रहती है, आज फिर छुट्टी पे, अब कल फिर चेक करना पड़ेगा इसको। शाम को तो शाम को वो लिखा हुआ था ना उसमें, तो शाम को भी नहीं बैठी अभी वो कुछ दिनों से, ना ही उन्होंने गूगल पे इन्फॉर्म कर रखा है कि रस्म सुबह आज के दिन भी छुट्टी पे रहेंगे, तो समझो। ये पूरे दाफड़ दाफड़ हो रखे हैं इसके पेट पे, तो ज्यादा थे ऑपरेशन के पास में तो बहुत ज्यादा है। क्या खाया था तुमने? कोई माकड़ी वाकड़ी तो नहीं खा गई तुम? कुचड़ चलती है, कुचड़ चलती है, माकड़ी माकड़ी माकड़ा खा गई होगी, चींटी खा गई होगी, कोई ना कोई चीज ऐसी चीज खा गई, इन्फेक्शन हो रखा है शायद। अच्छा नॉन वेज ही खाना था तो फिर कोई बकरा वगैरह खाती तुम? चीटी वीटी खाती हो, कोई बात थोड़ी ना है। ये बात नॉन वेज खाने की इच्छा होती तो फिर कोई बड़ा जानवर खाती, चीटी भी कोई खाने की चीज है क्या? है गाइस इसकी फेवरेट चीज आज क्या? ब्रेड, ब्रेड फैन ठोस, सच बता दो ईमानदारी से ना पांग देख रहे हो गाइस, इतनी देर की ना चाउमीन खा रही है, मेरे को बोले पापा मेरे पास चम्मच नहीं है, मैंने पूछा चम्मच कहाँ गई, कहाँ गई थी चम्मच? अरे कहाँ गई बता ना, ये देखो इसके नीचे, ये एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, इसके नीचे चम्मच कैसे गई है भाई, इसके नीचे चम्मच कैसे गई बता ना, किट ऊपर देख, ऊपर देख, इसके नीचे चम्मच कैसे गई देखो, ऐसी होती है ओगणों की खान है भाई, ओगण 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 ओगण, ये बहुत शैतान है सही बताऊं, बहुत शैतान लड़की है ये, देखो ये चॉकलेट खा के कहां पटक दी इसने, चॉकलेट खोल लाया तो लिए तेरी दीदी लेके आई थी। हाँ। कहाँ से लेके आई थी? स्कूल में से।
ट्यूशन में से तो वो तो उसको दी थी ना, तेरे लिए थोड़ी दी थी। अच्छा तेरे से प्यार करती है इसलिए तेरे को दे दी है। भाई सच्ची बता रहा हूँ ना, हमारे ऋतिका ना मन से ना बहुत बहुत प्यारी है। वो कोई भी उसे कोई चीज़ मिलेगी ना, वो पहले अपनी बहनों के लिए ला के देगी। पहले गए खुद भी लेके आ गए दो चॉकलेट, मतलब एक पल्स मिली थी एक फाइव स्टार दी थी उसको ट्यूशन पे, तो फाइव स्टार इसने ले ली तो उसने ले ली, उसने पल्स खा ली के खा के खुश हो गई। और वैसे वहीं ये लड़की इसको कोई चीज़ मिल जाए ना तो पूरी ये खुद खा लेती, दीदी को नहीं देती। नहीं देती ना क्यों देती झूठी देती थी। तो ऐसी क्या है कमेंट करके बताना एक पीड़ा पीड़ा सा। हल्दी। तुम क्या बता रही हो, तुमको ज्यादा पता है क्या? हाँ। नहीं कैसी नहीं, हल्दी सब्जी की रहना बहुत शानदार बनाती है, कसम से बहुत शानदार बनाती है। दही में है? दही में मैंने कभी नहीं खाई दही में। सब चीज का स्वाद लेके ये हो गया तेल गरम, घी में तो और भी ज्यादा स्वाद लग बनती है सब्जी। सर्दी में घी नहीं खाना चाहिए, सही बात है। तो गाइस जिसको भी हल्दी की सब्जी खानी हो ना तुरंत आओ से हमारे किरण से संपर्क कर ले, ये सब्जी बनाती है एक नंबर। ये देखो बन के देखो तैयार हो गई, कितनी अच्छी दिख रही कलर आज बनाई है ना मैंने इसको पहली बार दही में। मैं सबको खिला के पूछूंगी कैसी बनी, लेकिन देख के तो नहीं लग रहा हल्दी है, ये देखो है ना। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक ए नाइस नैनी। और किसी के पास भी इस जिसु किरण की आज प्रॉब्लम है, मैंने बताई थी कि बोले यार ब्लड के अंदर से कुछ हो रहा है वो, यानी क्या बोलते हैं भूल गया यार क्या बोलते हैं, फुंसिया से पूरी बॉडी पे निकल आई, ये चींटी के खाने की वजह से है। यानी कई बार लोग कहते हैं ना कि चींटी खा गया या फिर मकड़ी को खाने में खा गया तो उससे फफूलिया से हो जाती है, पता नहीं क्या हुआ है, बट मैं बड़ा परेशान हूँ यार सच्ची में। मैं डॉक्टर के भी गया था आज, लेकिन डॉक्टर भी नहीं मिली, अब करूँ क्या। खैर देखते हैं, तो बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम और मेरी क्रिसमस। आज क्रिसमस मना रहे हैं बच्चे, देखो आज मैक्सिमम बच्चे छुट्टी पे हैं, सारे पार्टी शार्टी करने गए हैं। अरे पहले ही बोल देते मैं भी चला जाता थोड़ी बहुत पार्टी शार्टी करने। पार्टी शार्टी क्या करता, घर पर बच्चों के साथ इंजॉय करता, चिल करता। तो बाय बाय, गुड नाइट।